फ्रेंड्स, इट्स वैशाली अगी हियर। वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद द चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस, क्लास 10 साइंस। आई एम डिस्कसिंग द ब्लू क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर? इट इज़ रब्ड विद अ सैंड पेपर टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कार्बोनेट और ऑक्साइड। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक्टिविटी समझाते हुए कि इसके ऊपर ऑक्सीजन की या फिर कार्बोनेट की लेयर ऑलरेडी चढ़ी होती है, जिसके कारण इसकी बर्निंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले वो लेयर को हम सैंड पेपर यानी रेग मार से रिमूव करते हैं एंड आफ्टर दैट वी बर्न इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द फॉलोइंग। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैं H2 लिखूंगी, सिंगल H नहीं लिखूंगी। क्लोरीन भी एक गैस है, इसलिए उसको भी Cl2 लिखूंगी। अब जब दोनों की रिएक्शन कराई तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बना, और जो इनके दो के दो दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे 2 लग गया, यानी 2 एटम्स ऑफ HCl, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, और बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन देखें ना तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न हाउ टू डू इट। लुक हियर, आई हैव रिटन दिस, कैसे इसकी रिएक्शन बनता है। देखो, जो इसका BA है ना वो इसके SO4 से रिएक्ट करेगा, ऐसे BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट बन गया, और इसका एल्यूमिनियम इसके क्लोरीन से रिएक्ट करेगा यानी AlCl3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1, इसलिए Cl3 आया। ये तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया यहाँ पर। अब इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, Al2 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्लोरीन 3 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे तो ये 6 क्लोरीन हो गए और एल्यूमिनियम तो 2 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 6। यहाँ क्लोरीन कितने, 2, इसके आगे भी 3 लगा रही हूँ, अब यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए, 3। यहाँ तक क्लियर। अब SO4 की बात करते हैं, SO4 कितने हैं, 3, और बैरियम कितने हैं, 3, दोनों 3 3 हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थ्राइस लगा रही हूँ। ऐसे इसकी बैलेंसिंग करनी है आपको। नेक्स्ट पार्ट है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम होता है Na, वाटर होता है H2O। इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पर H 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 H है और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर H 1 ये रहा और 2 ये रहे, 3 H है राइट साइड पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, यहाँ भी 4 हो गए, तो बैलेंसिंग ऐसे करते हैं इसकी। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स। वही से फिर से एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, Ba ने SO4 से रिएक्ट कर दिया और Na ने Cl से, बैलेंसिंग कर दिया। यहाँ पर 2 Na हैं, 2 Cl हैं, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। इन वाटर इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये बेस है, ये एसिड है, बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, आपको पता है। तो सॉल्ट क्या बना, Na के साथ ये Cl आ गया, और H और O मिलके H2O बन गए, तो बैलेंसिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी इक्वल है दोनों साइड पर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो 4 तरह की होती हैं। पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें कुछ कंबाइन करता है और न्यू एक प्रोडक्ट बनाता है, जैसे ए और बी कंबाइन करके सी बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे बट प्रोडक्ट सिंगल होगा। फिर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से क्लियर हो रहा है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक हो रहा है, एक कंपाउंड ए है वो मान लो बी सी डी 3 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, तो रिएक्टेंट एक है बट प्रोडक्ट ज़्यादा है। डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना, कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप पहले भी कर चुके हो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि ए बी सी है, तो ये सी है ना, इसका सी हटके इस ए के साथ लग गया, यानी ए ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने इसका सी अपने साथ ले लिया और बी को अकेला कर दिया, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ए बी और सी डी, इसका ए इसके डी के साथ आ गया और इसका सी इसके बी के साथ हो गया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये आपस में जुड़ गए, और इसका ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव है तो आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। दोबारा क्लियर कर दूँ, इसमें कंबाइन होता है, इसमें टूटते हैं, इसमें डिस्प्लेस हो जाते हैं, कि एक दूसरे के साथ चला गया, इसका पार्टनर दूसरे के साथ चला गया, और इसमें दोनों अपने पार्टनर की स्वैपिंग कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ए इसके डी के साथ हो गया और सी इसके बी के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में 1 बार होती है। ये 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके,